नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं NMF न्यूज। कास्टिंग काउच पर एक नहीं अनेकों बार विवाद हुए हैं, और जब जब विवाद हुए हैं तो सिर्फ बवाल ही मचा है। पहले तो सिर्फ बॉलीवुड और बिजनेस में ही कास्टिंग काउच की बातें सामने आती थी। शायद पहली बार संसद को लेकर भी कास्टिंग काउच की बातें सामने आई हैं, जिसे सार्वजनिक रूप से कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा है। पहले सरोज खान ने कहा कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के बदले रोटी भी मिल जाती है। इसके कुछ घंटे ही बाद रेणुका चौधरी ने कहा कि कास्टिंग काउच का मामला तो संसद तक फैला हुआ है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान एक सवाल जरूर खड़ा करता है। रेणुका चौधरी का कहना है कि यह कड़वी सच्चाई तो है ही, जिसकी जड़ लगभग हर क्षेत्र में फैली हुई है। सरोज खान के शर्म भरे बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि रेणुका चौधरी के बयान पर बवाल मच गया है। रेणुका चौधरी ने कहा कि भारत ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, और कहा है कि मी टू यानी भारतीय समाज में लोग कास्टिंग काउच को लेकर सामने आकर खुलकर बोलने लगे हैं। इन बयानों को सुनकर सिर्फ चुप रहने की बजाय इस पर सोचने की ज़रूरत है कि समाज को नई दिशा देने वालों के पैर किस तरह के कीचड़ में पहले ही धंसे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।